हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, जो भी एमपी के स्टूडेंट्स नहीं है और अदर स्टेट के और एमपी के प्राइवेट बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 15 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा और 19 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी 20 सितंबर को। उसके बाद यहाँ पर सीट वैकेंट चार्ट आएगा, वो 20 सितंबर को आ जाएगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। उसके बाद फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर है वो 26 सितंबर को आ जाएगा। जैसे आपका फर्स्ट राउंड का लेटर आता है, उसके बाद आपको पंडित खुशलाल शर्मा जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है भोपाल में, वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और उसके बाद आप प्रवेश निरस्तीकरण का जो प्रोसेस वो 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर द्वितीय चरण का भी काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। तो द्वितीय जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन जो है 3 से 5 अक्टूबर तक कर लेना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी 6 सितंबर को। और रिक्त सीटों का जो स्थिति है, मतलब सीट वैकेंट चार्ट है, वो 6 अक्टूबर को आएगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है सेकंड राउंड के लिए, वो 7 से 8 अक्टूबर तक, 2 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर है वो भी 10 अक्टूबर को आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको भी पंडित खुशलाल शर्मा में रिपोर्टिंग करना है। और यहाँ पर प्रवेश निरस्तीकरण आप 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। जैसे ही स्टेट कोटा का शेड्यूल आता है तो मैं आपके लिए भी ये जो शेड्यूल है वो यूट्यूब पर लेकर आ जाऊँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।